कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से जहां पूरा देश जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण गरीब एवं असहाय लोगों के बीच राशन की कमी महसूस हो रही है। ऐसे में कई जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर बिहार सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा गरीब राशन कार्ड धारियों को राशन देने में कटौती करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ऐसा ही मामला गया के परैया प्रखंड अंतर्गत मंगरामा पंचायत में प्रकाश में आया है। इस संबंध में वहां के मुखिया दिलीप सिंह ने बताया कि मंगरामा अंतर्गत कुल 4 वितरण प्रणाली दुकान है, जिसमें 2 दुकानदारों के द्वारा राशन कार्ड धारियों को राशन में कटौती की जा रही है। मंगरामा पंचायत मुखिया दिलीप सिंह ने कहा कि इसकी शिकायत टिकारी एसडीओ से की गई थी, जिसके बाद एमओ के द्वारा जांच भी की गई, परंतु जांच के बाद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब एवं असहाय लोगों को राशन कार्ड पर पूरा राशन मिल सके। इस संबंध में एमओ के द्वारा बताया गया कि मामले की जांच कर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी गई है, उसके बाद जैसा आदेश आएगा कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं दिलीप कुमार सिंह मुखिया परिया प्रखंड मंगरामा पंचायत में हूँ। मेरे पंचायत में समस्या जनता के द्वारा मिला, जिस पर मैं खुद अपने स्तर से जांच की। डीलर लोग को जांच के दरमियान मैं प्रत्येक यूनिट पर 2 किलो अनाज कटौती में पाए गए, इससे भी अधिक पाए गए। जनता का कथनानुसार है कि जब से जन वितरण प्रणाली का ये जो सिस्टम चला है, तब से ही पूर्व से ही यही हरकत करते आ रहे हैं, जिसका मैं खुद अपने मोबाइल द्वारा वीडियो बनाए, जो उपभोक्ता का कहना है। इसके बाद मैं सूचना दिया एसडीओ साहब को, और कंट्रोल में भी फ़ोन किए, डीएम साहब का ही नंबर पर फ़ोन किए, फिर कन्वर्ट करके लगाया, तो फिर उनसे बात हुई। उसके बाद जांच में आए एमओ साहब, एक साथ में थे गुरारू के एमओ, दोनों के बीच उनको हमने बताया कि जो भी आप जांच कीजिए, जनता के बीच में जा कर जाँच कीजिएगा, क्योंकि मेरी बात को नहीं समझे और जाके डीलर से मिलते हुए वापस चले गए। फिर पुनः मैं उनसे टॉर्चर किया और आए तो लोगों के बीच में पूछताछ के दरमियान में मैं दोनों के बीच में, एमओ साहब थे हमारे परिया के, जनता के द्वारा पूछताछ जांच में वो अपना बयान ले रहे थे, उसी बीच में मैं अपना मोबाइल से भी इन लोगों को वीडियो बनाया दोनों के बीच में। तो जनता इस पर काफ़ी सक्रिय इस बार कदम लिया है, और मैं मदद करना चाहता हूँ उस जनता को, क्योंकि मुझे जनता ने बहुत विश्वास के साथ बनाया है, लाया है इस पंचायत में। तो इसकी न्याय और अन्याय का कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। डीलर का नाम हुआ हमारे पहला श्री कुमार यादव, जो है पचमो के डीलर हैं, और दूसरा उमेश सिंह है, जो फुरहुरिया के हैं। मैं उसी गांव का हूं मुखिया, मेरा भी वही निवास स्थान है। तो इन लोगों का हरकत जो है, जनता इसे काफ़ी दुखी जता रहा है पूर्व से ही, कि जनता के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। और उसके साथ कल का भी न्यूज है कि जो जनता को भगा दिया गया और अनाज भी नहीं दिया गया, और बोलते हैं कि नेता है, और मतलब ये हमने बात किया डीलर से तो वो साफ इनकार करते हैं कि मुखिया का क्या इसमें रोल है, मुखिया का कोई रोल नहीं इसमें है। लिखित शिकायत हमने सूचना दिया और एमओ साहब को दिए, फिर बी डी ओ साहब के चैम्बर में बुलाकर ही उनको पहले ही हिदायत किए थे मैंने, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। इसके पहले मैं समिति के मीटिंग में की बैठक में भी मैंने सुधार करने के लिए अपील किया, लेकिन उस पर कोई सुधार नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई। बार बार जनता का शोषण ही सहते आ रहे हैं। अगर इस तरह का हरकत होते जाएगा तो जनता इस पर खुद अपने निर्णय लेगी, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए जनता इंतजार कर रहा है कि कोई आकर जाँच करे। एमओ क्या जाँच करेंगे, मैं इस बात को रखा कि एमओ क्या जाँच करेंगे इसमें। एमओ तो खुद डीलर और एमओ में कोई अंतर ही नहीं बुझा रहा है हमको, तो मेरे दबाव से ही उतना जांच पड़ताल किए और अब तक की कोई कार्रवाई नहीं किए उसमें। वो सिर्फ जांच करते हैं, जांच होता है, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होता है। डीएम साहब से मांग रहे हैं हमें कि, और जनता का भी मांग है कि हम लोग को किसी ये इसके जगह पर दूसरे की व्यवस्था करने की कृपा की जाए, क्योंकि हम लोग को लाभ सही रूप से मिल सके, क्योंकि जात कह के भी अवहेलना करते हुए ही
फेंक देते हैं, दुर्गारते हैं भी हैं, इस तरह की भी हरकत मिली है जो कि कल का शिकायत है। ये सही गांव का ये शिकायत है, एक जगह का नहीं है। तो हमारे यहाँ 4 डीलर हैं, 2 डीलर हैं से बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी को लगाते नहीं हैं। वो अपने आप में कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमको क्या हो जाएगा वो हम देख लेंगे। उनको कहना यही है कि हम लोग खुद समझ लेंगे अपने आप में। जिला पदाधिकारी से हमें निवेदन है कि खुद अपने स्तर से जांच करवाते हुए इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। मुझे यही मांग है और लोगों को भी मांग है, हमारे प्रिय जनता को। क्या नाम है आपका? हीरा लाल पासवान, पूर्व मुखिया है ग्राम गोली मंगराम पंचायत। ये हर महीना ने 30 किलो देता है, 5 किलो कट के हर महीने ने शुरू से कम देते जा रहा है, सबके साथ ऐसे करता है। बोला ना, जो हम पूरे भीड़ लगा के कह सकते हैं कि हर महीने ने है। कहाँ घर है? रुकना यार। कौन डीलर है आपका? अच्छा, कितना अनाज मिल लो? कितना अनाज मिला है आपको? अनाज हमें 10 किलो गेहूँ मिला है, 3 पसरी। कौन सा कार्ड है? अभी बोले क्या सर? पीला कार्ड है। अच्छा, 7 आदमी। कितना अनाज मिलता है? 28 किलो। 28 केजी। कितना काट के देता है? 28 किलो। 1-1 किलो करके काटता है। अब जरा है 28 किलो। मैंने पूर्व से पहले ही से शुरू से ऐसे करते आ रहा है कि ना 4 महीना से। 4 मंथ्स। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।